हाय एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो है झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब से होगा। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारा जो है डाउट चल रहा है कि एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है जबकि सेशन जो है हमारा ख़त्म होने चला है। तो देखिए, आज इस वीडियो में जो है सारे डाउट क्लियर करेंगे। चलिए, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, पहले जो है JUT की तरफ से जो है नोटिस आया था जिसमें JUT ने क्लियर किया था कि जो है किस डेट को जो है हम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है लेंगे, कब आप जो आप सभी का जो है एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होगा, कब आपका इंटरनल जो है होगा। लेकिन आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि जो है ये डेट किस तरह से जो है फॉलो हुआ है कॉलेज में। आपको पता है कि जो है उस डेट पे जो है आपका इंटरनल्स नहीं हुआ अभी तक। तो कोई कोई कॉलेज में इंटरनल्स भी नहीं हुआ होगा, फर्स्ट इंटरनल हुआ है, सेकंड नहीं हुआ है। आप सभी का कॉलेज में जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप सभी का कॉलेज में आ जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि जो है GP धनबाद में जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। अगर आप लोग को GP धनबाद से है अगर कोई है और उनको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, अब अगला प्रोसीजर जो है आप लोगों का वो है सेकंड इंटरनल आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा जल्दी। मतलब अगर इंटरनल नहीं हुआ तो इंटरनल बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और जो है उसके बाद आपका क्या होगा, एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, या फिर उससे पहले भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप हो सकता है, उसके बाद आपका जो है इंटरनल ख़त्म होगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होगा क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आ गया है, ठीक है। चलिए आपको प्रोसीजर में लिख के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपका एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, एग्ज़ाम का एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है, पहला नंबर चीज़ ये होगा आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होगा। फिर दूसरा नंबर चीज़ जो है आप लोगों क्या होगा, आपका इंटरनल्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इंटरनल्स लिया जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरनल्स जैसे ही होगा ख़त्म ना, तो आपको जो है कॉलेज की तरफ से एक डेट दिया जाएगा, ठीक है, कॉलेज की तरफ से एक डेट दिया जाएगा जिस डेट को आपको जो है सारा असाइनमेंट हो गया, जितना भी जो है ग्राफिक्स शीट वगैरह हो गया वो जो है सब आपको कॉलेज में जमा करना है, ठीक है, उस डेट को आप डेट पे आपको जो है कॉलेज में जमा करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग क्लासेस जो है बंद हो जाएगा कॉलेज में। क्लासेस बंद हो जाने के बाद आपको जो है कुछ टाइम मिलेगा और उसके बाद जो है आप लोग का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा जिस पर आपका जो है सेंटर मेंशन रहेगा, ठीक है। अगर आप GP धनबाद से है तो इसका सेंटर कहीं KK पॉलिटेक्निक वगैरह में ही मिलता है। तो देखिए, सेंटर आप लोग को मिल जाएगा, उसके बाद जो है आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट अभी तक तो आया नहीं है, ठीक है। JUT जो है मतलब बोर्ड थोड़ा दूसरे टाइप का है, जो है बोर्ड फॉलो नहीं कर पा रहा है जो है कोई भी डेट को, लेकिन फिर भी यहाँ पर डेट जो है आप लोग का अभी तक 15 तारीख तक जो है आप लोग का इंटरनल्स हो मतलब ये हो जाना चाहिए फॉर्म फिलअप, 15 तारीख से जो आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 15 फरवरी से, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग का एग्ज़ाम का डेट जो है आ जाता है कम से कम जो है आपका मार्च से, ठीक है, मार्च जो है फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक से जो है आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये जो है क्लियर बैठा लीजिए कि जो है आप लोग का मार्च से एग्ज़ामिनेशन है। आप लोग ये लेके चलिए कि जो है आप लोग का मार्च में, मार्च के पहले में मतलब मार्च में ही आप लोग का एग्ज़ाम है। आप लोग मन में यही बैठा के चलिए कि आप लोग का एग्ज़ाम मार्च में है, ठीक है, ताकि आप लोग का जो है सारा जो है तैयारी जो है फरवरी में ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। फरवरी में ही आप लोग जो है एकदम पूरा तैयारी करके ले कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो है आप लोग को मार्च में जो है दिक्कत ना हो। आप जो है जितना भी टाइम मिले आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है। और जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोग को जो है बता देता हूँ कि जो है एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो अभी के सिलेबस के हिसाब से आप लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होने वाला है वो होगा मैथ में, ठीक है, ठीक है, मैथ्स में होगा और एक जो है केमिस्ट्री में होगा, ठीक है। पहले देखिए, मैथ और केमिस्ट्री में होगा। पहले आप लोगों का क्या होता था, पहले कुछ दिन पहले जो है एक नया सिलेबस लॉन्च किया गया था जिसमें जो है क्या था, साइंस था, बेसिक साइंस था, ठीक है, जो कि आप लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के बेसिक साइंस बना दिया गया था। लेकिन बाद में फिर उसको जो है चेंज करके वापस से फिजिक्स और केमिस्ट्री में बदल दिया गया, क्योंकि जो है दोनों पेपर को एक साथ लेना थोड़ा ये हो जाता था। लेकिन उस दोनों का मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मतलब मार्क्स जो है आधा आधा कर दिया गया है,
ओवरऑल 35 और 35 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छा से देखिए, ठीक है। केमिस्ट्री को आप लोग का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी मैं जो है चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो हमारे वीडियो पे बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए वीडियो का अंत करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।